हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, सागर समृद्धि सिस्टम। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि हमारे वाटरवेज जैसे लेक, रिवर, हार्बर में जो सेडिमेंट और डेब्रिज है उसको, उस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ड्रेजिंग सिस्टम है क्या, सागर समृद्धि क्या है, इसके कैपेबिलिटी, सिग्निफिकेंस, गाइडलाइन और भी बहुत कुछ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ड्रेजिंग सिस्टम है क्या। ड्रेजिंग इज अ रिमूवल ऑफ सेडिमेंट एंड डेब्रिज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक्स, रिवर, हार्बर एंड अदर वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज जैसे कि लेक, रिवर, हार्बर हो गया, वहाँ से जो हम लोग सेडिमेंट और डेब्रिज का जो रिमूवल होगा उसी को ड्रेजिंग सिस्टम कहा जाता है। और यह जरूरी है क्योंकि जो वाटर बॉडीज में सेडिमेंट जमा हो जाता है उससे क्या होता है, जो डेप्थ होता है वाटर बॉडीज में वो डिक्रीज करने लगता है और शैलोनेस हो जाता है, जिसके कारण बोट या शिप्स को नेविगेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस सिस्टम के द्वारा इजीली नेविगेट किया जा सकता है। तो ड्रेजिंग सिस्टम का मेन पर्पस है टू मेंटेन और इंक्रीज द डेप्थ ऑफ नेविगेशन चैनल्स, एनकरेज एंड बर्थिंग एरियाज सो दैट लार्जर शिप कैन पास थ्रू एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स, जो कि किसी भी कंट्रीज के इकोनॉमिक के लिए क्रूशियल है क्योंकि शिप्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट में। अभी हम लोग कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बात करें तो रोडवेज़ का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है, और रोडवेज़ के कंपेयर में शिप्स जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, तो इसीलिए इसको इनकरेज किया जाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं ये सागर समृद्धि है क्या। इस सिस्टम को डेवलप किया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। यह सिस्टम ड्राफ्टिंग एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। सागर समृद्धि सिस्टम का एम है प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और जो ड्रैग मटेरियल हो गया जैसे कि डेब्रिज उसको सही से मैनेजमेंट करना, इफेक्टिव रीयूज ऑफ ड्रैग मटेरियल। इस सिस्टम को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि यह कंट्रीज के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करेगा। चलिए अब जानते हैं सागर समृद्धि सिस्टम में क्या कौन कौन से कैपेबिलिटीज़ हैं। तो यह रियल टाइम ड्रैगिंग प्रोसेस प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करेगा। दूसरा बात करें तो डेली एंड मंथली प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन को प्रोवाइड करेगा। ड्रैगर परफॉर्मेंस और डाउन टाइम मॉनिटरिंग को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। चौथा है आपका, हम लोग ईजी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं विथ स्नैपशॉट लोडिंग, अनलोडिंग एंड आइडल टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में। सागर समृद्धि सिस्टम का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो आपको ह्यूमन एरर देखने को मिलता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो मिनिमाइज हो जाएगा। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। जो ड्रैगिंग कोर्स है उस ड्रेजिंग कोस्ट को रिड्यूस करेगा। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और ज़्यादा प्रमोट करेगा और ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी को इन्हेंस करेगा। अराउंड 100 मिलियन क्यूबिक मीटर्स के मेंटेनेंस के लिए 1000 करोड़ रुपीज़ एनुअली स्पेंड किया जाएगा बाय द पोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इस सिस्टम के द्वारा जो भी ड्रेजिंग कॉस्ट है उसमें सिग्निफिकेंटली डिक्रीज देखने को मिलेगा और इस सिस्टम को आने से ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी भी इंश्योर होगा। सागर समृद्धि सिस्टम से बेटर प्लानिंग प्रोजेक्ट किया जा सकता है, इससे आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस देखने को मिलेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स को बनाने में फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ड्रेजिंग से रिलेटेड क्या कोई गाइडलाइन है। तो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा एक आउटलाइन प्रेजेंट किया गया था जिसमें कि अच्छे से प्लानिंग और प्रिपरेशन हो सके, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ड्रैग मटेरियल मैनेजमेंट और ड्रेजिंग मटेरियल्स के कॉस्ट को भी कम करने के बारे में भी बताया गया था। और जो भी मेजर पोर्ट्स में ड्रेजिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसको एक कम्प्लीट करने का बात किया गया है इन अ टाइम फ्रेमवर्क। मार्च 2023 ने मिनिस्ट्री ने एक अपडेट लेकर के आया था ड्रेजिंग गाइडलाइन फॉर मेजर पोर्ट, जिसमें कि एक बीडिंग डॉक्यूमेंट का प्रोविजन किया गया है जिससे जो आपका ड्रेजिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा और वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट का भी बात किया गया है इस नए अपडेट में। इसमें सजेस्ट किया गया है जो ड्रेज मटेरियल है उसका बेनिफिशियल वेज में यूज़ करना, जैसे कि आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है आपका बीच नरिशमेंट को लेकर के वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके इन्वायरमेंट को। चलिए अब हम लोग समझते हैं NTCP WC के बारे में।
तो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सागरमाला प्रोग्राम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसमें कि 77 करोड़ का लागत आया था जो कि IIT मद्रास ने डेवलप किया था अप्रैल 2023 में। इसका जो एम है वो जो मरीन सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है उसको और भी ज़्यादा अच्छे वे में और कम समय में करना, और जो हमारे कंट्री में जो मरीन इंडस्ट्री है उसको और भी ज़्यादा रोबस्ट वे में बिल्ड करना। इसमें बताया जाता है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर हैज़ वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज फॉर अंडरटेकिंग 2D 3D इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिसर्च एंड कंसल्टेंसी नेचर फॉर पोर्ट कोस्टल एंड वाटरवेज सेक्टर अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। जो 2D 3D इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिसर्च है उसको वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज तक लेकर जाना। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।